जिन की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और जैसा आप देख सकते हैं कि सुरेंद्र कुमार जाजिया आईपीएस ऑफिसर एसएसपी रांची हमके कार्यालय के बाहर खड़े हैं, लेकिन अब दुखद आपको ये नाम अभी देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में ये नाम हटेगा और किशोर कौशल जो है उनका नाम जुड़ेगा। जी अभी जीडीपीएस के जो अभी वो वहाँ पे तैनात है किशोर कौशल, बहुत जल्द यहाँ पे पदभार संभालेंगे रांची के नए एसएसपी के तौर पर। आपको बता दें सुरेंद्र कुमार झा बहुत अभी हाल में बहुत ही लाइमलाइट में तब आए थे जब 10 जून को हिंसा में उन्होंने बहुत हीरोइक जो होता है ना हीरोइक टेंपर दिखाया था, और साथ ही उस हिंसा को रोकने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको बताते चले कि गोलियाँ चली थी, उसमें कुछ लोगों की पत्थरबाज लोगों की मौत भी हुई थी, और पोस्टर भी टांगा गया था उन पत्थरबाजों का, जिसको लेकर इनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया था। ये दो तीन चीज़ें अभी हाल में एसएसपी सर जो है वो एसएसपी जी जो है वो बहुत सुरेंद्र बहुत हाईलाइट में रहे हैं, लेकिन इस हाईलाइट में रहने में कई बार जनता के तरफ से भी हमने जब जनता से बात की उन्होंने भी बहुत कयास लगा रहे थे कि लगता है इनका ट्रांसफर हो जाएगा, और वैसा ही हुआ, फाइनली इनका ट्रांसफर हो गया और अब ये अपना सेवा जो है वो पुलिस मुख्यालय में देंगे, वहीं पर देंगे, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर में देंगे। लेकिन सुरेंद्र कुमार झा जो है और इनके जो सहयोगी हैं इनका भी कहना है कि बहुत ही अच्छा कार्यकाल इनका रहा है और काफ़ी उम्दा प्रदर्शन इन्होंने किया है और लोगों के दिलों में भी जगह बनाई है सुरेंद्र कुमार झाने। और 10 जून में जो हिंसा में जिस तरीके से उन्हें ऐन वक्त पे पहुंचकर अपनी कार्रवाई की है, जिस तरीके से उन्होंने सारे सिचुएशन इतना भयावह हो गया था जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था, आप समझ सकते हैं कि पूरे इंडिया में इस सिचुएशन का पूरा नेशनल न्यूज बना था, नेशनल विवाद हो गया था इस चीज को लेकर, गृह मंत्रालय तक रिपोर्ट सौंपा गया था इस चीज को लेकर, एसएसपी ने खुद रिपोर्ट तैयार करी थी इन सारे मुद्दों को लेकर जो विवाद हुआ था, लेकिन उस 10 जून को जो घटना हुई थी उसको हैंडल करने में एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। तो भले अब वो पुलिस हेडक्वार्टर में है लेकिन यहाँ के लोग जो है इनको जरूर मिस करेंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि रांची के डीसी विनय आ चुके हैं, राहुल कुमार सिन्हा डीसी छवि रंजन है, कुछ दिन से वो भी लगातार विवाद में चल रहे थे, उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया है, अब वो जिला कल्याण को अपनी सेवाएं देंगे। इसके साथ भी और भी आईपीएस का तबादला किया गया है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि रांची के हीरो जी आईपीएस और हीरो सुरेंद्र कुमार झा जो 10 जून को काफ़ी इफिशियंटली उन्होंने काम की, और इससे पहले भी कई सारे उन्होंने वारदात है जो बहुत इफिशियंटली उन्होंने अंजाम दी, तेज तरह आईपीएस ऑफिसर अब रांची के एसएसपी नहीं बोली, अब पुलिस हेडक्वार्टर में उनका नया पता होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत, में शिखा सर अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।